500 वर्षों के संघर्ष के बाद, असंख्य बलिदानों के बाद 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास में कभी न भूले जाने वाली तिथि बनने जा रही है, क्योंकि इसी दिन करोड़ों हिंदुओं के सदियों पुराने संकल्प की पूर्ति होने जा रही है। 22 जनवरी के दिन का है विशेष महत्व। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 22 जनवरी को कर्म द्वादशी तिथि है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। भगवान श्री राम विष्णु जी के ही 7वें अवतार हैं, इसीलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस दिन को बेहद शुभ माना जा रहा है। जिस मुहूर्त में हुआ रामलला का जन्म, उसी मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक का समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत शुभ है। इस 1:24 में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 1:24 के इस मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी इसी मुहूर्त को चुना गया है। 22 जनवरी को 3 महान योगों का हो रहा है निर्माण। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी के शुभ दिवस पर एक साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इन योग को बहुत शुभ माना गया है। सभी प्रकार के विघ्नों को पार करके सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब राम मंदिर निर्माण का सपना पूर्ण होने जा रहा है। 22 जनवरी के मंगल दिवस के बाद हिंदू संस्कृति और भारत राष्ट्र के लिए एक नए युग का सूत्रपात होगा, जो एक नवीन विकसित और सशक्त भारत के युग का शंखनाद करेगा। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं अवेल मलिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरी और अच्छा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है अवेल मलिक साहब आपका चैनल इंडिया लाइव जी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। जी, 22 जनवरी को आखिर जो है क्यों रामलला का होने जा रहा है, राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा भी रामलला की वहां होने जा रही है मंदिर में। जी जी, देखिए आपने अपने चैनल के माध्यम से ही जो अभी दिखाया उससे ही ये स्पष्ट हो गया, ये दिन ये मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आपने अपने चैनल के इस डिबेट के शुरुआत में ही अपने चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि कितना आवश्यक कि ये मुहूर्त है, और जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हों, अन्य लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, विपक्षी दल हों, इनको मुहूर्त का क्या ज्ञान है? ये तो हिंदू धर्म के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, इन्हें तो हिंदू धर्म के ऊपर ही विश्वास नहीं है। ये किस प्रकार की बात करते हैं? इन्हें कम से कम ये समझ लेना चाहिए, ये कम से कम अपना ज्ञान ना दें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां बरसवाई और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, काल्पनिक मानते हैं, और जो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का कार्य करते हैं, और आज इनका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, इनका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ये सवाल उठाया करते थे, आज इनका अस्तित्व मिटने की कगार पर है, कांग्रेस मुक्त भारत होने की कगार पर है। और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना निश्चित है, तय है। कांग्रेस को 4 सीटें भी नहीं आएंगी, ये लिख लीजिए आप, 4 सीटों से आगे बढ़ ही नहीं सकती कांग्रेस। 4 सीट से फालतू इसलिए नहीं आएंगी, वो कार्य जनता के लिए किए गए, जनता आज प्रसन्न है। और जिस तरीके से जनता प्रसन्न है, जनता की प्रसन्नता इस बात को जाहिर कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुनः आने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आने जा रही है। और मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्षों तक रही,
दस वर्षों तक जब तक मोदी बाबा पर विश्वास नहीं है और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मुहूर्त का ज्ञान नहीं है, वो गलत तरह से कार्य कर रहे हैं और भगवान राम पर कब्जा जमा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? जी ये आरोप बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के आरोप इन लोगों को नहीं लगाने चाहिए और जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। कम से कम ये हिंदू धर्म का ज्ञान चले, इन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं है और ये अपना ज्ञान दे रहे हैं लगातार। हिंदू धर्म को पढ़ लें, समझ लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का कोई शास्त्र का किसी शास्त्र का अध्ययन कभी किया ही नहीं होगा। सोनिया गांधी को शास्त्रों के संबंध में कुछ मालूम नहीं है और ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। इन्हें इस प्रकार का ज्ञान कतई नहीं देना चाहिए। पहले इन्हें कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ये जान ले समझ ले। और जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं, इनके ऊपर जनता हंसने का कार्य कर रही है क्योंकि ये बेवकूफी का प्रदर्शन अपनी कर रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे। और जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या जानते हैं मुहूर्त के बारे में? अब ये पॉलिटिशियन है या फिर ये एस्ट्रोलॉजर भी बनना चाहते हैं? ये चाहते क्या है? पहले तो ये तय कर ले इनका फील्ड कौन सा है। कभी ये संत बनना चाहते हैं, कभी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, तो कभी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी का विरोध करते हैं, कभी पॉलिटिशियन बनते हैं। और पॉलिटिशियन जिस तरीके के हैं, देश दुनिया इनको जानती है। समाज का विभाजन करने का कार्य केवल और केवल इनके द्वारा किया गया। समाज को किस तरीके से विभाजित किया जाता है, इस बात को यदि सीखना है तो गांधी परिवार से और यादव परिवार से सीखिए। उत्तर प्रदेश का यादव परिवार और ये गांधी परिवार। यादव परिवार ने तो राम भक्तों पर गोलियां बरसवाने का कार्य किया। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में राम भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। मुलायम सिंह यादव ने इस कार्य को लीड किया। उनकी सरकार उस समय थी और उनका बयान भी था, वो स्पष्ट कह रहे थे, जितने मारे इससे कई गुना और मारने पड़ते तो मैं मारता। बाबरी मस्जिद को बचाने की उनकी प्राथमिकता थी, बाबरी मस्जिद ही उनकी प्राथमिकता थी, राम मंदिर उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। और उसके बाद ये भगवान श्री राम के ऊपर बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बयान? इन्हें क्या लेना देना? अरे भाई, तुम तो राम विरोधी हो, तुम तो नहीं चाहते थे कि वहां राम मंदिर निर्माण हो, आज क्यों बयान दे रहे हो? मत दो बयान, शांति से घर में बैठ जाइए। ये तो इस बात को कहते थे कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अब तक के इनके बयान उसमें शामिल है, हर चीज रिकॉर्ड में मौजूद है और उसके बाद इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार रहे थे और आज राम मंदिर पर जो है तमाम तरह की जो है बातें कर रहे, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो अस्तित्व को नकारते थे उसको लेकर के क्या कहते हैं आप? नहीं, अस्तित्व को ये नकारा करते थे, लेकिन आज इन्हें कैसे ध्यान में आ गया भगवान श्री राम की पूजा करना? आज कहां से ये राम भक्त बन गए? आज तक तो ये वोट बैंक के चक्कर में भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का कार्य करते थे। आज जब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ये राम भक्त बन रहे हैं। ये नाटक बंद कर दे, एक स्टैंड रखना चाहिए पॉलिटिशियन को। मैं समझता हूं एक स्टैंड ये रखें, जो इनका पुराना स्टैंड है उस पर कायम रहे, और जनता जानती है अगर ये स्टैंड बदलेंगे भी तो जनता जानती है ये राम भक्ति का मुखौटा लगाकर घूमने का कार्य कर रहे हैं, और जनता जानती है किस प्रकार के लोग हैं, राम विरोधी हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलता है तुरंत राम विरोध प्रारंभ कर देते हैं। जितेंद्र आवाड ने वो साबित कर दिया। जितेंद्र आवाड का बयान पूरे इंडी गठबंधन को खा जाएगा, समाप्त कर देगा, इंडी गठबंधन का विनाश कर देगा, एनसीपी का विनाश कर देगा। अब एनसीपी के ऊपर जितेंद्र आवाड के बयान को सुनने के बाद कोई भरोसा करेगा? मुझे नहीं लगता कोई हिंदू एनसीपी को या एनडी गठबंधन को वोट देगा जितेंद्र आवाड के उस बयान को सुनने के पश्चात, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जितेंद्र आवाड ने स्पष्ट कर दिया, जितेंद्र आवाड का स्पष्ट यही कहना है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। अब क्या सबूत है जितेंद्र आवाड के पास? क्यों वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का, ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा है? ऐसे बयान देने की इजाजत किसने दी उसको? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, वो ये कतई नहीं कहता
किस प्रकार के बयान दिए जाए, उसकी लिमिटेशंस है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, सबके पास है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस है उसकी। इन्हें जिम्मेदारी समझनी चाहिए, दूसरों की भावना को आहत करने का, ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कई कार्रवाई होनी चाहिए मैं समझता हूं, और ये जेल जाने चाहिए ऐसे लोग। ऐसे लोगों की बाहर कोई जगह नहीं है, जेल में ही इनकी जगह है, इनका सही स्थान जेल में है। और इस प्रकार का व्यवहार यदि ये लोग कर रहे हैं तो जनता जान रही है, जनता समझ रही है, इनको वोट बिल्कुल नहीं देगी जनता। एक तो हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए योजनाएं चला रहे हैं, सबका विश्वास इस नारे को पूर्ण रूप से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक नंबर तो यही है, और नंबर दो जो जनता भी देख रही है, राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो भी जनता देख रही है। और इस प्रकार का ये व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं इसका सुपड़ा साफ होना तय है। और मुझे तो लग रहा है विपक्ष ही नहीं बचेगा, विपक्ष बचेगा ही नहीं, 5-10 दिन राहुल सोनिया के साथ कोई भी चुनाव लड़ ले सब हारेंगे, लड़ ले और कोई लड़ ले। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि रामलला मंदिर जो है वो आखिर 22 जनवरी की विशेष तिथि विशेष मुहूर्त पर ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ये तय हुआ है देश के तमाम विद्वानों के द्वारा और इस मुहूर्त को निकाला गया है, बहुत ही विशेष है, इसीलिए 22 जनवरी को चुना गया है, देशवासियों के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।